नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। दिसंबर की ठंड है लेकिन बंगाल का सियासी पारा अपने चरम पर है। आज टीएमसी के पूर्व विधायक शुभेंदु अधिकारी गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं अमित शाह दो दिन के दौरे पर बंगाल में है, कोलकाता पहुंच चुके, कल रात पहुंचे हैं और आज वो मंदिर मंदिर जाएंगे, किसानों के घर खाना खाएंगे, रैली करेंगे। सवाल यह है कि क्या टीम मोदी की लगातार चढ़ाई के बीच ममता अपना सियासी किला बचा सकेंगी? उनके साथी टूट रहे हैं, सरकार बचाने की चुनौती है। 5 तस्वीरें आज का कार्यक्रम बयां करती हैं। अमित शाह का क्या क्या कार्यक्रम रहेगा आज का, वो भी हम आपको साथ ही साथ बता दें। खुदराम बोस सिद्धेश्वरी मंदिर वो जाएंगे। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन का दौरा है। टीएमसी के नेता आज बीजेपी में शामिल होंगे, खुदराम बोस को नमन करेंगे। कल रात कड़ी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट पर पहुंचे, पहुंचते ही ट्वीट किया और उस ट्वीट में अपने इरादे को जाहिर कर दिया। मेदिनीपुर जाएंगे, वहां पर खुदीराम बोस के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, फिर वहां के प्रसिद्ध माता जी के मंदिर में जाएंगे, वहां से एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और मुझे लगता है उस जनसभा में काफ़ी लोग बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइनिंग का भी कार्यक्रम हो सकता है। हम लोग संभालेंगे बंगाल का गढ़, तृणमूल का जो गढ़ है वो संभाला जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। हम इसमें इसके लिए चिंतित नहीं है। बीजेपी का कोई फेस नहीं है, कोई मुख नहीं है और कोई संगठन नहीं है। यहाँ हमारे बंगाल के कार्यकर्ताओं को की हत्याएं की गई है, बंगाल के कार्यकर्ताओं के घर जलाए गए हैं, उनकी पिटाई की गई है, उनके हाथ पांव तोड़े गए, उनको निरपराध जेलों में ठूसा गया है। हमारे सांसदों के साथ, विधायकों के साथ में दुर्व्यवहार हुआ है, उनके साथ में मारपीट की घटनाएं हुई है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि न तो ये भारतीय जनता पार्टी के जज्बे को कोई इसके कारण से कुचल सकता है, दबा सकता है, उल्टा हर एक ऐसी घटना के बाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जोश कई गुना बढ़ रहा है। बंगाल इज ओके, बंगाल अदर देन देयर इकोनॉमिकल सपोर्ट यू आर नॉट गेटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अदरवाइज सोशली यू आर ऑल राइट, वी आर वर्किंग, पॉलिटिकली वी आर वर्किंग एंड वी आर नंबर वन हियर, नो चैलेंज नो थ्रेट। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।